आज झारखंड की करेंगे। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर आज से नामांकन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 23 अप्रैल को करेंगे नामांकन। तो वहीं खूंटी लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे अर्जुन मुंडा। नामांकन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, खूंटी सीट से नामांकन अर्जुन मुंडा यानी कि केंद्रीय मंत्री करते हुए नजर आएंगे, और जब वो नामांकन करेंगे तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी उस दौरान उनके साथ में मौजूद रहेंगे। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर आज से नामांकन होगा। देखिए, राजनाथ सिंह भी नामांकन में शामिल होंगे, तो बड़े चेहरे नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। अर्जुन मुंडा 23 अप्रैल को नामांकन करेंगे। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा और खूंटी लोकसभा सीट, और खूंटी क्योंकि कहा जाता है कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है, और यहां पर अगर बात की जाए तो 4 लोकसभा सीट झारखंड की, जिसपे मुकाबला बेहद दिलचस्प। अर्जुन मुंडा 23 अप्रैल को नामांकन फाइल करने वाले हैं, और केंद्र में एक बड़े चेहरे के तौर पर उनकी गिनती होती है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे खूंटी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अर्जुन मुंडा को एक बार फिर से कैंडिडेट बनाया गया है। और अब जो जानकारी है वो ये कि 23 अप्रैल को वो अपना नॉमिनेशन यहाँ से फाइल करने वाले, और इस दौरान कोशिश रहेगी शक्ति प्रदर्शन की। अमूमन आप देखते हैं कि नॉमिनेशन फाइल करने से पहले नेताओं की तरफ से किस तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। अर्जुन मुंडा जब अपने नामांकन को फाइल करेंगे तो प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे तो मौजूद रहेंगे, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी इस दौरान मौजूदगी रहेगी। वो नॉमिनेशन फाइल के वक्त वहाँ पर स्वयं मौजूद रहेंगे। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर नामांकन आज से शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए चौथे चरण में शुरू होगा झारखंड में वोटिंग। आपको बता दें कि किस तरीके से देश में जब चौथे चरण की वोटिंग हो रही होगी तब झारखंड में पहले चरण का मतदान होगा, और इसके लिए चुनाव आयोग ने सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू की सीट को चुना है। सिंहभूम, लोहरदगा और खूंटी लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। पलामू झारखंड की एकमात्र लोकसभा सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। इस बीच आपको बताएंगे, आईपीएल में दिल्ली ने गुजरात को 6 विकेट से हराया, दर्ज की सीजन की तीसरी जीत। आपको बता दें 8 ओवर में यहां पर चेज किए 90 रन। देखिए, मुकाबला कल कह सकते हैं कि सुपर फ्लॉप शो था। गुजरात टाइटंस ने बहुत ही खराब पारी खेली, और ऐसा लग रहा था कि गुजरात टाइटंस को कल पहली बार ऐसा लग रहा होगा कि काश हार्दिक पांड्या हमारी टीम में होते, लेकिन हार्दिक पांड्या तो मुंबई इंडियंस के कप्तान फिलहाल बन चुके हैं। जब वो कैप्टन थे तो सब गुजरात टाइटंस जीती भी थी और दूसरी बार में फाइनल तक पहुंची भी थी, लेकिन लीग में जीटी कास्ट ये सबसे छोटा स्कोर था, अब तक का सबसे छोटा स्कोर इस लीग का और गुजरात टाइटंस का भी। मुकेश कुमार ने 3 विकेट हालांकि झटके यहाँ पर, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स जिनको हल्के में फिलहाल गुजरात टाइटंस की टीम ले रही थी, वो हल्के में उनको नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में गुजरात टाइटंस के जो खिलाड़ी है वो नज़र आ रहे थे। अंत में हार फिलहाल मिली है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि सुपर फ्लॉप शो। अगर हम अखबारों की हेडलाइंस की बात करें, जैसे अमर उजाला यहाँ पर फिलहाल हेडलाइन है, गुजरात 89 पर सिमटी दिल्ली की सबसे बड़ी जीत, और सबसे बड़ी बात कि मैच खत्म होने का इंतज़ार लोग हमेशा करते थे, देर रात तक मैच खत्म होता था, 11:30 बज जाते थे, लेकिन कल बहुत ही जल्दी मैच खत्म हो गया। तो इसीलिए कल ये कह सकते हैं हम कि होम ग्राउंड में ही गुजरात को बहुत गंदे तरीके से पीटा है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी ने। प्रिया, बिल्कुल, और क्योंकि महिमा खुद आईपीएल मैचेस काफ़ी देखती हैं, तो महिमा ने बताया कि किस तरीके से कल का मैच रहा। लेकिन अब एक और खबर, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, टाइम मैगजीन ने प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की। इसमें आलिया भट्ट, बॉलीवुड के एक्ट्रेस, इसके अलावा साक्षी मलिक और सत्य नडेला का नाम भी शामिल है। टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल है। मेरे पास इस वक्त नव भारत है, और नव भारत ने अपने पेज पे फ्रंट पेज 2 पे इसका जिक्र किया है, और यहाँ पे लिखा है कि टाइम की लिस्ट में पहलवान साक्षी भी। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक को टाइम पत्रिका ने 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। आपको याद होगा कि महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने के दौरान एक बार फिर से साक्षी सुर्खियों में आई थी। इसके अलावा अगर बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ से आलिया भट्ट को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। इसके अलावा कई सारे ऐसे नाम, और इसमें कई इंडियंस के नाम हैं जो कि शामिल हैं। महिमा, रूस की मदद से भारत को 2,00,000 करोड़ के बारे में जानकारी मिल रही है कि फ़ायदा हुआ है। भारत का कच्चे तेल का आयात बिल जो है वो 16% घटा, गैस पर भी काफ़ी ज़्यादा बचत की खबर मिल रही है। देश विदेश का जो सेगमेंट है हर अखबार में फिलहाल,
उसके बारे में बताया गया है। सबसे बड़ी बात कि रूस की मदद से भारत को 2 लाख करोड़ का फ़ायदा हुआ है, गैस पर भी काफ़ी ज़्यादा बचत हुई है और ये एक राहत की खबर फिलहाल है। भारत का जो कच्चे तेल का आयात बिल है वो 16% तक घटा है और गैस पर भी बचत। प्रिया, आपके पास कोई जानकारी? महिमा, मैं वही अखबार में देख रही थी क्योंकि ये जो खबर है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें इस बात का जिक्र है कि रूस की मदद से भारत को 2 लाख करोड़ का फ़ायदा हुआ है। और अगर हम बात करें तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्योंकि प्रियत हर एक खबर पर हम विस्तार से बात करते हैं और किस तरीके से जब बात रूस की मदद से भारत को 2 लाख करोड़ के फायदे की होती है, आपने किस तरीके से महिमा ने बताया कि कैसे फ़ायदा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि बच्चों के दूध और सेरेलेक में मिली है शुगर। नेस्ले गरीब देशों के बेबी फूड में डालता है चीनी, यूरोपीय देशों में नहीं। हम स्थानीय कानून का पालन करते हैं, ये नेस्ले की तरफ से कहा गया और रिपोर्ट में दावा किया गया है। आप देखिए, बहुत ही हैरानी वाली ये खबर है जिस तरीके से इस बात का जिक्र किया गया है कि बच्चों के दूध और सेरेलेक में शुगर मिली है। क्योंकि जो बच्चों को हम दूध देते हैं, जो सेरेलेक छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हैं, ये मानते हैं कि उसमें शुगर ना के बराबर होगी, वो जो भी हम बच्चों को खिला रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। लेकिन ऐसे में नेस्ले गरीब देशों के बेबी फूड में डालता है चीनी, यूरोपीय देशों में नहीं। हम स्थानीय कानून का पालन करते हैं, इस आरोप पर नेस्ले ने ये बात कही। इससे पीछे पहले आप देखिए बॉर्नविटा को लेकर भी तमाम बातें सामने आ रही थी कि जो बॉर्नविटा है वो हेल्दी ड्रिंक नहीं है आपके बच्चे के लिए, क्योंकि हम तमाम ऐसे एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि अगर बच्चा बॉर्नविटा पिएगा तो हेल्दी रहेगा, क्योंकि तमाम जो न्यूट्रिशन बच्चे को चाहिए थे वो उसमें होते हैं। और अब ये रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये दावा किया गया है। और अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट, सख्त धर्म के आधार पर वकीलों पर टिप्पणी की गई थी, जज को इस पूरे मामले में अब तलब किया गया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त रुख यहां पर देखने को मिला है और जज से अब इस पर सवाल भी पूछा गया है। दरअसल धर्म के आधार पर वकीलों पर टिप्पणी की गई थी जज के द्वारा और अब जज को ही तलब इसमें किया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त रुख इसमें देखने को मिला है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, टेस्ला ईवी प्लांट की रेस में महाराष्ट्र आ गया, इसी महीने डील होने के आसार हैं। मस्क के दौरे से पहले स्पेस सेक्टर में 100% FDI ईवी इको सिस्टम बनेगा बैटरी प्लांट पे। और ये भी खबर ऐसी है जो कि तमाम अखबारों में छाई हुई है और इसको लेकर के जानकारी ये है कि मस्क का जिस तरीके से दौरा हुआ उसके बाद इस पूरे आप देखेंगे फील्ड में तेज़ी लाने की कोशिश है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि टेस्ला ईवी प्लांट की रेस में महाराष्ट्र सबसे आगे है और बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आए, क्योंकि कहा यह गया है कि ईवी इको सिस्टम बनेगा और इसी महीने डील होने के भी आसार हैं। महिमा, आगे बढ़ते बात मौसम की करेंगे। एक बार फिर दिल्ली में बदलेगा मौसम, पश्चिमी विक्षोभ के चलते 2 दिनों तक आंधी बारिश। IMD ने जारी किया अलर्ट, देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। तो देखिए, राहत मिलते हुए फिलहाल दिल्ली के लोगों को नजर आएगी और मौसम विभाग की तरफ से चूंकि चेतावनी जारी की गई है कि अब बड़ी राहत फिलहाल लोगों को मिलने वाली है। 2 दिन तक आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई मौसम विभाग की तरफ से। और एक बार फिर दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलते हुए देश की राजधानी दिल्ली में नजर आएगा, यानी कि बढ़ती गर्मी से दिल्ली NCR के लोगों को फिलहाल थोड़ी राहत मिलेगी। बात कनाडा की करेंगे क्योंकि कनाडा में सोने की सबसे बड़ी चोरी में सिर्फ 1 किलो ही सोना बरामद हुआ है। मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 3 की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ने 65 हथियार भी इस दौरान बरामद किए हैं, जब्त किए हैं। तो बड़ी खबर आपको ये कि किस तरीके से कनाडा में सोने की सबसे बड़ी चोरी हुई और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि सिर्फ 1 किलो सोना बरामद किया गया। मामले में 6 आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया, 3 की तलाशी इस वक्त चल रही है, उनको ढूंढा जा रहा है वो कहाँ पर हैं, ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वहीं पुलिस ने 65 हथियार भी बरामद किए हैं जिसके दम पर शायद ही इस चोरी की वारदात को या बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम देते हो। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी है, सिर्फ और सिर्फ अभी 1 किलो यहाँ पर जो सोना है वो यहाँ पर बरामद हुआ है। आगे चलिए आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश स्टेट साइबर सेल ने कार्रवाई की है, बाती फेल ने देश भर की पुलिस को छकाया, 15,000 फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाए। और देखिएगा, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है और अक्सर ऐसी जानकारी सामने आती है जहाँ पर लोग किस तरीके से फर्जी कार्ड्स के जरिए, फर्जी वोटर आईडी कार्ड्स के जरिए कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि अपने मंसूबों को कैसे अंजाम दे सके। चुनाव से ठीक पहले भी आप इसे एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जिस शख्स को अरेस्ट किया गया है वो 12th फेल बताया जा रहा है।
15,000 फर्जी वोटर आईडी कार्ड उसने बनवाया। इसमें कौन कौन से लोग संलिप्त थे, क्योंकि जाहिर है कि एक दिन का काम नहीं होगा, इसके पीछे क्या इनकी योजना थी, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे और इनको लेकर के, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन के टाइम पर भी ऐसी तस्वीर एक मरतबा सामने आई थी। और अब जानकारी ये है कि साइबर सेल को जब इन्फॉर्मेशन मिली तो साइबर सेल ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। कहा यह गया है कि 15,000 फर्जी वोटर आईडी कार्ड्स बनाए और ऐसी सूरत में जब यहाँ पर लोकसभा के चुनाव के तहत पहले फेज में वोटिंग होने वाली, इसमें मध्य प्रदेश की भी 6 सीटें शामिल है और उससे ठीक पहले का बड़ी कार्रवाई की गई है मध्य प्रदेश स्टेट साइबर सेल की तरफ से। महिमा आगे बढ़ते राजस्थान से खबर है। एएसआई भर्ती परीक्षा 2021 का मामला, अब तक 36 ट्रेनी एएसआई गिरफ्तार हो चुके। 13 और ट्रेनी एएसआई की जांच शुरू की गई। डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा देने का इनपुट फिलहाल मिला था, जिसको लेकर जांच पड़ताल शुरू हुई और जांच पड़ताल में कई बड़े खुलासे होते हुए फिलहाल नजर आए थे। 2021 का यह पूरा मामला, एएसआई भर्ती परीक्षा हुई थी जिसमें कि घोटाले की खबर मिली। जैसे ही जो एजेंसी उसको पता चला, उसके बाद टीम ने इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई शुरू की। डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा देने का इनपुट मिलने के बाद कुल 36 ट्रेनी जांच पड़ताल के बाद गिरफ्तार किए गए। 36 ट्रेनी एएसआई गिरफ्तार किए गए। 13 और ट्रेनी एएसआई की भी जांच फिलहाल जारी है। यानी कि इन लोगों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। आगे बढ़ते हैं, बादशाहपुर की भी कर लेते हैं। आपको बता दें कि किस तरीके से सोना फिर नए शिखर पर, कीमत 75,600 रुपये हुई है। इसके अलावा बिकवाली भी बढ़ेगी, दाम गिरेंगे। 17 दिन में सोना 8% से ज़्यादा चढ़ा है। सोने के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, सोना चांदी दोनों के दाम आसमान छू रहे हैं। और देखिए किस तरीके से 75,600 रुपये इसकी कीमत हो चुकी है। ये जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नए शिखर पर एक बार फिर से सोना और चांदी के दाम। और अब आगे बढ़ेंगे, IIT की तैयारी दुनिया में कहीं हो दे सकेंगे आप वोट। भविष्य में ब्लॉकचेन तकनीक से वोट डाल सकेंगे, फोन लैपटॉप से भी वोट डाल सकेंगे। IIT मद्रास ने सॉफ्टवेयर एक तैयार किया है और उसके लिए अगर आप कहीं भी हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं या IIT तैयारी कर रही है कि आप दुनिया में अगर कहीं भी हैं तो आप वहां से अपना वोट डाल सकेंगे। हालांकि इसके लिए सॉफ्टवेयर अभी डेवलप किया जा रहा है, आप अपने वोट का प्रयोग कर सकेंगे। भविष्य में ब्लॉकचेन तकनीक जिसका उपयोग किया जा रहा है उसके जरिए आप वोट डाल सकेंगे, फोन से आप वोट डाल सकेंगे, लैपटॉप से आप वोट डाल सकेंगे। IIT मद्रास इसको लेकर फिलहाल काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर बना रहा है। बढ़ेंगे आगे, UPSC सिविल सर्विसेज रिजल्ट 2023, सोशियोलॉजी सबसे पसंदीदा, सफलता मेडिकल इंजीनियरिंग लॉ विषयों में ज्यादा। सीसेट के गणित ने बिगाड़ा पेपर, हिंदी मीडियम के 42 ही सिलेक्ट हुए। 2022 से 12 कम थे और क्योंकि जब से रिजल्ट आउट हुआ है तब से इसको लेकर के तमाम जो विस्तृत जानकारी है वो सामने आ रही है। अब देखा यह गया है कि जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं इसमें सोशियोलॉजी सबसे पसंदीदा विषय रहा। इसके अलावा मेडिकल इंजीनियरिंग या फिर लॉ विषय जो हैं वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा उसमें सफलता मिली है। सीसेट के गणित ने लोगों का पेपर बिगाड़ दिया। खास तौर पर अगर हम देखें, अगर हम पूरे लिस्ट को देखते हैं जो अभ्यर्थी और जो सिलेक्ट हुए हैं उसमें हिंदी मीडियम के अगर हम कुल कैंडिडेट्स को देखें तो उनकी संख्या सिर्फ 42 है जो कि इस बार सिलेक्ट हुए हैं। 2022 से अगर हम कंपेयर करें तो उस दौरान से ये 12 कम है, यानी कि उस दौरान ज़्यादा लोग थे लेकिन इस बार इनकी संख्या थोड़ी कम हुई है। लेकिन आंकड़ा ये बताता है, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑल इंडिया रैंक आदित्य श्रीवास्तव ने हासिल किया है और उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा था कि टॉप 70 में आ जाऊँ लेकिन जब वो फर्स्ट आए तो वो खुद हैरान रह गए। लेकिन जो अभी रिजल्ट आउट हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स की जो पसंदीदा विषय की अगर बात करें, अगर वो कुछ है तो वो सोशियोलॉजी रहा। बात करते हैं चुनाव की, राजस्थान की बात करें तो पहले चरण की 12 सीटों का लेखा जोखा, प्रत्याशियों के खर्च का लेखा जोखा, चुनाव खर्च में 59 लाख के साथ राव राजेंद्र सिंह सबसे आगे, काशीवास का सिर्फ 10,17,000 रुपए का खर्चा। तो अभी फिलहाल पहले चरण में जिन 12 सीटों पर चुनाव होने हैं उसका लेखा जोखा इस वक्त सामने आ चुका है, अखबारों में भी फिलहाल इसका जिक्र है। और खर्च में 59 लाख के साथ राजेंद्र सिंह सबसे आगे, काशीवास का सिर्फ और सिर्फ 10,17,000 का जो खर्च वो बताया जा रहा है। इसके अलावा जो बाकी प्रत्याशी, बाकी जो नेता है उसके बारे में भी एक लंबी फेरिस्त फिलहाल यहाँ पर है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। सबसे बड़े नक्सली एनकाउंटर में खुलासा हुआ है। कांकेर में चुनाव रोकना चाहते थे नक्सली, रात 1 बजे जवान भेजे, सुबह स्ट्राइक की। ये जो नक्सली थे घात लगाकर बैठे थे और पहले इनकी तरफ से फायरिंग सुरक्षा बलों पर की गई और उसके बाद बैकफायर इन पर किया गया।
देखिए 29 ऐसे ये नक्सली जो ढेर इस एनकाउंटर में हुए हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि आप जानते हैं जो नक्सली होते हैं वो किस सोच के होते हैं और विकास वो बिल्कुल भी उस क्षेत्र में नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो सुरक्षा बलों को रोकते हैं। अगर कहीं पर सड़कें बन रही होती हैं तो उन्हें तोड़ते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो सड़कें ही ना बने, ये उनकी कोशिश होती है। और ऐसे में माना जा रहा है कि सबसे बड़ी स्ट्राइक है कि 29 ऐसे नक्सली जो ढेर हुए।